अच्छा एक होती है, एक होता है जरूरत, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दो डिफरेंट चीजें ना। जरूरत ऑब्जेक्टिव को आपस में इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। जरूरत क्या है कि आपको पैसा चाहिए बिकॉज आपने जिंदगी गुजारनी है, आप जिंदगी में आए तो जरूरत तो है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अल्लाह को खुश करना है आपने, राइट। जब ऑब्जेक्टिव जरूरत बन जाए, जरूरत ऑब्जेक्टिव बन जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसी के पीछे भागते हैं। ये बात कभी भी नहीं हो रही कि आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको अपनी जरूरत ही पैसा चाहिए। अगर आपको ये चीज़ बताऊं कि जब आप बात करते हैं कि चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको पता है पाकिस्तान से टेक्सटाइल की 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट अमेज़ॉन के पास पाकिस्तान से जा रही है, राइट। और वो किनको जा रही हैं, जो कि अपना ब्रांड बनवाते हैं, लेकिन अपना ब्रांड नहीं बना सकते हम यहाँ से। जब किसी को कहेंगे वो नहीं बन सकता, उसकी वजह पता क्या है आपको, एक दफ़ा कंटेनर सही जाएगा दूसरी दफ़ा प्रॉब्लम जाएगा। ये क्या है, ये बदियानती नहीं है, ये क्या है, ये मिस कमिटमेंट नहीं है। आप उनसे बात कुछ करते हैं, देते कुछ हैं आपको, ठीक है। ये मॉरल वैल्यू जब तक ठीक नहीं ना होती, आपकी सोसाइटी ग्रास रूट लेवल पे ठीक नहीं हो सकती। हम लोग कभी भी नहीं ठीक हो सकते, जो मर्जी करते रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना ना, ये ऑब्जेक्टिव क्या है जिसने बदियानती की, जिसमें मिस कमिटमेंट की, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, पैसा कमाना। वो ज़रूरत नहीं है, वो पैसा कमाना। तो आपने जब हम इसको एक्सचेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और ये बात कभी भी नहीं हो सकती कि आप कहें कि आपको लिविंग नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तभी तो स्किल्स चाहिए, तभी तो स्किल सेट चाहिए, तभी तो हम एंटरप्रेन्योर माइंड सेट लेके आएंगे। एंटरप्रेन्योर माइंड सेट क्या होगा कि हमने बिजनेस करना है। अब ये एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब, ये बात नहीं हो रही। अगर आप स्कूलिंग की हिस्ट्री को पढ़े ना, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट में से ऐड कर रहा हूँ, ये जो 1 to 10th ग्रेड या इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़े, तो आप देखेंगे कि इस स्कूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, वाइट कॉलर जॉब पीपल प्रोड्यूस करना, और वही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम तो नहीं वो प्रोड्यूस कर रहे ना, तो उसके लिए थोड़ी एफर्ट, तो उसके लिए माइंड सेट। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो कम से कम पता तो चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रॉस क्वेश्चनिंग से ये होता है ना कि कोई अगर मिसिंग हो जाता है, अगर हमें मुझे कुछ जरूरत है इंप्रूवमेंट की, मैं भी इंप्रूव कर लूँगा, आपको जरूरत है आप इंप्रूव कर लेंगे। कभी भी बंदा कभी ये तो कह नहीं सकता हम 100% करेक्ट। वही जैसे मैंने कहा ना, किसी मौके पर किसी ने भी ये कह दिया इज गॉन, वो तो हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज आवर गोल, राइट। जी जी, कोई है तो बताइए, नहीं तो फिर जी जी एक्चुअली मैंने सर खुद भी काफ़ी अच्छे टीचिंग की है, तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स खुद अच्छे टीचर नहीं होते। बेशक टीचर हो तो आपके अपने बच्चों को घर में इतना अच्छा टीच नहीं करते, और जो टीचर ना हो उनकी तो बात ही कुछ और है। अभी जो सिलेबस इस वक्त मार्केटिंग फीडिंग हो चुका है, जिस तरह के लकास टाइप स्कूल्स हैं या जितने भी बड़े स्कूल्स का जो भी इसका सिलेबस चल निकला है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स की रेंज में आता है ना। वो मैथ के पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं ना, वो ज्योग्राफी के पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं घर। तो एक साल के लिए तो हम आपके स्कूल में बाउंड हो गए हैं, रिजल्ट क्या आएंगे इसका हमें नहीं पता। मेरा एक थोड़ी सी सजेशन थी कि हम जो अपने बच्चों के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना घर में, मेरा बच्चे इस तरह होगा, बेसिकली हम घर में वो ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट करें कि पेरेंट्स की साइकोलॉजी भी आपके पास हो और बच्चों की जो मेंटेलिटी है वो भी आपके पास हो, दोनों को कोलैबोरेट करके आप चेक करें कि पेरेंट्स कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और बच्चों को किस तरह घर में वो ट्रीट करें, तब जाके बच्चा कुछ
लूज कर सकते जी बिल्कुल है क्योंकि पेरेंट्स बेसिकली घर में जो ट्रीटमेंट बच्चों के साथ कर रहे होते हैं वो बड़ा डिफर होता है क्योंकि हम फील करते हैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि कोई ऐसा रेमेडी कोई डॉक्टर टाइप या कोई मोटिवेशनल टाइप या कोई ऐसा बंदा जो साइकी को समझ सके पेरेंट्स की साइकी को बैठ के आप बच्चों के साथ आपका बिहेवियर काफी किस टाइप का है किस जगह आप बच्चों के साथ हार्श हो जाते हैं बच्चों से आपके क्या एफेक्ट्स हैं और बच्चे क्योंकि वो नहीं पूरा कर रहे होते तो आप उस पर क्या बिहेव कर रहे हैं तो ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह का आप डेटा कलेक्ट करें पेरेंट्स और बच्चों का कि दोनों को कंपैरिजन करके आप बच्चों को पेरेंट्स को भी बता सकें कि आपने घर में कुछ भी हो जाए इस बिहेवियर को नहीं छोड़ना तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर कि पेरेंट्स को खुद भी अपने आप को थोड़ा सा डिवेलप करेंगे चेंज करेंगे बच्चों के हवाले से और बच्चों की साइकी के साथ जी जी बिल्कुल वैलिड फीडबैक है इसमें जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल को जितना स्ट्रॉन्ग हम करेंगे उतना ही एक अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी और उसके लिए जैसे वर्कशॉप्स का भी आपको बताया कि वर्कशॉप्स हो भी रही हैं एंड वी आर इंशाल्लाह वी कैन गेट लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एक्चुअली जो कि टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए ये तो नॉर्मल प्रोसेस है दैट विल कंटिन्यू इंशाल्लाह लेकिन देखें कोई भी जब आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है ना उसमें हर्डल्स भी आती हैं हर्डल्स इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी हर्डल्स नहीं कह रहा पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट से कह रहा हूँ हो सकता है एक किसी पेरेंट की कोई आदत बनी हो उस आदत को चेंज करना हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ तरबिया पार्ट तो ये एफर्ट पेरेंट्स के एंड पे ज़्यादा आएगी तो वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है हमें तो अपने आप को भी थोड़ा करना पड़ रहा है लेकिन यू नीड टू डू इट वो उस लिहाज से ये हर पूरे एस्पेक्ट को देखना ना आप डाउन द रोड फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बंदा कहता है मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए बच्चे को लेके आया हूँ और उस पीरियड के बाद कोई कोई चेंज नहीं आ रही उसके बाद अगर विदाउट एनालाइजिंग योर सेल्फ के अपने आप को तो चेंज किया ही नहीं अपनी आते हैं तो वही रखी तो ट्राइंगल तो स्ट्रॉन्ग बनी नहीं खैर वो तो आप लोगों की अपनी एक वजाहिर बात आपके बच्चे हैं लेकिन ये पॉइंट के मैं बस इस तरह करूँगा वो तो अब आप खुद सोचते रहना लेकिन 360 डिग्री एनालिसिस करना भी देख लें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है जब उस ट्राइंगल में अगर इफ़ यू फॉरगॉट योर पार्ट इन इट विच इज़ द पेरेंट पार्ट तो बेसिकली थर्ड पार्ट इज मिसिंग वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट इन अ वे विच वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी डाउन द रोड तो थोड़ी देर लग जाए लेकिन वो अचीव होगा इंशाल्लाह मेरा मतलब है कि वो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ मिसिंग अगर हमारे एंड से मिसिंग है आपने एड्रेस किया है एस्केलेट किया है कोई एक्शन नहीं हुआ तो वी आर रिस्पॉन्सिबल कल्चर क्या होता है जब मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ वेस्ट की मैं क्योंकि देख के आया हूँ तो मुझे पता है वहाँ पर अगर आप जाते हैं ना जब मैकडोनल्ड्स में तो वही पाकिस्तानी लोग इंतहाई क्लीन लेवल पे उठाएंगे सारा कुछ लेंगे ऑर्डर वहाँ पे रखेंगे वो बास्केट में डालेंगे सब चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क जैसे ही मस्जिद आते हैं ना सारा कुछ खत्म शूज़ रैक में नहीं पड़े गाड़ियाँ किसी के घर पे पार्क हुई हैं किसी के घर के बाहर पार्क हुई हुई हैं अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ये वही लोग थे जिन्होंने बिल्कुल फॉलो किया तो कल्चर मेक्स अ डिफरेंस मेरा मतलब है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसने ऐसे किया हो सकता है हुआ भी होगा या हो सकता है कुछ दूसरी पॉजिटिव परसेप्शन से देखें तो हो सकता है कि वो इधर उधर गुम हो गया हो लेकिन वो एड्रेस से ये बात नहीं है मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस जो है ना इन्फ्लुएंस होता है इसी को तो हमने रिड्यूस करना है जैसे हम इन्फ्लुएंस की भी बात कर रहे थे तो इन्फ्लुएंस कैसे रिड्यूस होगा स्कूल से भी वही मैसेज मिल रहा है घर से भी वही मैसेज मिल रहा है बाहर से बेशक डिफरेंट मिलता रहा है दो एस्पेक्ट से तो सही मैसेज मिलेगा ना तो इंशाल्लाह ये होगा और लेकिन ये कीप डूइंग इट एक्चुअली आई मीन थैंक्स लॉट फॉर रेजिंग दिस और कीप रेजिंग दिस इसमें आप चुप ना रहें कहीं भी जब कंसर्न होता है ज़रूर रेज करें और वहाँ पे एड्रेस हो ताकि पता चले इशू कहाँ है रूट कॉज एनालिसिस उसका होगा उसको देखा जाएगा एंड देन विल अडॉप्ट दिस राइट अवे ये मसला नहीं है इंशाल्लाह वो नियत तो है ऑब्जेक्टिव भी है तो इंशाल्लाह नहीं वो तो बड़ी मेहरबानी है आपकी आई थिंक लास्ट पॉइंट जो कि मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि जो जब किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन होता है ना तो उसकी तो एक्सपेक्टेशन कोई नहीं होती
उसमें तो कोई नहीं है ना एक्सपेक्टेशन, क्या है आपने डाल दिया एनरोल कर दिया तो बस सो जाए राइट, बस ठीक है कि हो गया। लेकिन जो एक स्कूल कुछ कह रहा है उसके लिए सिर्फ 15 दिन की बात, 15 महीने की बात, 2 महीने की बात, इतनी कम ड्यूरेशन क्यों है? पेशेंस लेवल इतना कम है कि बस एक महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए डेकेड्स चाहिए होती हैं, जिसके लिए इतना टाइम चाहिए होता है, उसके लिए 15 दिन में इवैल्यूएशन होके ख़त्म, यानी ये कैसे है मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए बट आई वुड से उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसमें भी आगे सो जाएं कि ठीक है जी स्कूल तो कर दिया बस खुद ही करता रहेगा स्कूल। जैसे मैंने कहा ये ट्रायंगल है जहाँ भी, जैसे आपने भी कहा कि यू एड्रेस द इश्यूज, असल में एड्रेस करना ना, पेरेंट्स नीड टू बी एक्टिव और एड्रेस करते रहें, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम भी एड्रेस करते रहेंगे, आप भी एड्रेस करते रहें, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है। जब ऑब्जेक्टिव एक ही है तो फिर पहुँचेंगे ना इंशाल्लाह, और करना भी चाह रहे हैं। तो फिर उसमें ये कहना कि मुझे कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, डिसअपॉइंट एकदम से हो जाना, वो भी कुछ मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन है जी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ इसको तो थोड़ा सा नीचे ले आए इस एक्सपेक्टेशन लेवल को, होगा है हम लोग भी उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो बेनिफिट होगा जी। ये देखिए ये दूसरे स्कूल एक्सपेक्टेशन लेवल है, ये हमारा आ गया, हमारा कुछ ज्यादा ऊपर चला गया है। नहीं तो ये फिर आप इधर ही जा रहे हैं फिर। यही पॉइंट है, और इसी पॉइंट को जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस्तकामत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉट ओनली दिस, आप अपनी जिंदगी में किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, इस्तकामत नहीं है ना तो आप भूल जाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव मीट हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर अबाउट इट, कोई नहीं होगा जी, दो दिन करेंगे, बड़ा जोश में आता है ना वो, जैसे उसकी वो एग्जांपल जैसे घरों में होता है ना वो ट्रेडमिल लेके आते, बड़ा जोश है ट्रेडमिल लेके आए, इवेंचुअली क्या होता है कपड़े ही सूख रहे होते हैं उसके ऊपर। नहीं वो क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो ले आएंगे जोश में ले आएंगे वो, उसके बाद करना है, लेकिन आपने देखना है कौन सा पॉइंट, कौन सी स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल एंड कंसिस्टेंट है। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी, और आई नीड योर कोऑपरेशन एज वेल, और उसमें करते रहेंगे। आपको क्वेश्चन है जी? सर ये अगर तो ब्रांच वार्टन में या एंड एडीएचए के नजदीक हो तो सर बहुत आसानी हो गया, उन लोगों को काफ़ी दूर आना पड़ता, बहुत सारे लोग जो पूछते भी हैं और करना चाहते हैं सारा इस तरह, तो थोड़ा मुश्किल, ज़्यादा ब्रांचेस इस साइड पे। सही सही, तो इसके लिए सर जरूर कुछ ना कुछ। नहीं वो तो हो रहा है, अब जैसे हमने ये थर्ड ब्रांच खोली है ना लाहौर में, तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि जहाँ पे भी ज्योग्राफिकली रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी कहीं मुश्किल आ रही है तो विल ऐड इट, लेकिन उसमें गारंटी तो ऑब्वियसली कोई नहीं है, लेकिन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। दूसरे सिटीज़ में भी, जैसे कराची में भी है, सफर में भी है, दूसरे सिटीज़ में भी आ रहा है, लाहौर में भी हमारे हैं टारगेट दूसरे ब्रांचेस के भी इंशाल्लाह। तो जी इंशाल्लाह ठीक है जी, तो बहरहाल आप लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंशाल्लाह वी विल गेट टू आवर ऑब्जेक्टिव एंड विल प्रोड्यूस दोस काइंड ऑफ किड्स हु विल बी रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी इंशाल्लाह, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।